पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भदुरिया में बुधवार को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच राशन सामग्री के अनुचित वितरण के आरोप के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने महिला समेत अन्य लोगों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से पीटा। बताया जा रहा है कि नॉर्थ 24 परगना के भदुरिया इलाके में राशन का बंटवारा किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों द्वारा रास्ता ब्लॉक किए जाने पर आपत्ति जताई। लोग गलत तरीके से राशन का बंटवारा किए जाने का आरोप लगा रहे थे। इसके बाद गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की एक विधायक का फूलों से स्वागत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस की विधायक आरके रोजा एक गांव में सार्वजनिक नलकूप का उद्घाटन करने गई थी। इस दौरान लोग उनके पैरों के नीचे फूल बिछाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसकी खूब आलोचना कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि लोग हाथों से जमीन पर फूल की बौछार कर रहे हैं और विधायक उस पर पैर रखकर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर आलोचना होने के बाद अब महिला विधायक की ओर से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा कि वह गांव वालों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस स्वागत को स्वीकार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।